यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नेता मैं नेता नहीं हूँ। जिन नगरों के आप नाम बदल रहे हैं, नेहरू नगर, इंदिरा गांधी नगर, संजय नगर, राहुल नगर, सोनिया गांधी नगर, ये सब कांग्रेस नेताओं के जिनके नाम है, उनके जो बड़े नेता हैं उनके नाम पे है। ये भी सवाल उठेगा कि भाई बीजेपी नेताओं के नाम पर भी बहुत सारे नगर है, बहुत सारे भवन है, क्या उनको भी आप बदल देंगे? जतका प्रेम पर प्रांतीय मन से दिखाता हूँ उतके मया छत्तीसगढ़िया मन से दिखा। यहाँ की जनता तुम्हारा वोट दे करके चुनाव लड़ा करके जिता करके विधानसभा में बैठा रहे, ऐसे तो नहीं बैठा रहे कि हमारे पुरखा मन के अपमान करके गैर छत्तीसगढ़िया मन के नाम रखे जाए। आखिरी सवाल, लोग आपके छत्तीसगढ़िया प्रेम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि बोले विधायक जी सिर्फ अन्य प्रांतों को साधने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और खुद छत्तीसगढ़ी आप, तो बिल्कुल उसमें भी सवाल उठ रहे होंगे। बोल सेन है तो आपको बंगाली भी बोल रहे, मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था कल। अब भूपेश बघेल जी, भिलाई टाइम्स के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल आपके विषय पे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया में डाला कि जो आपके खिलाफ गलत कमेंट करता है उसे आप या तो ब्लॉक कर दे रहे हैं या तो उसके कमेंट को मिटा दे रहे हैं। अगर लड़ाई लड़ना है तो मर्द जैसे लड़िए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और लगातार आप भिलाई टाइम्स में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को लगातार देख रहे हैं। देखने के पीछे की वजह है, लगातार चर्चा में है, चर्चा में रहने के पीछे की भी वजह है काम और उनका बयान। अब आज उन्होंने एक बयान जारी किया है, उन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वैशाली नगर विधानसभा के 5 ऐसे नगर जिनका नामकरण पूर्वजों के नाम पर है, जिनका नामकरण कांग्रेस के नेताओं के नाम पर है, उन्हें बदलने का फैसला उन्होंने लिया है। अब वो MIC मेयर इन काउंसिल में भेजने वाले हैं, मेयर इन काउंसिल से सामान्य सभा में जाएगा। उनका कहना है कि इनका नामकरण बदल देना चाहिए। इसके अलावा वैशाली के विधायक रिकेश सेन कल एक और बात को लेकर चर्चा में है, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन। दरअसल क्रांति सेना के जिला उपाध्यक्ष चेतन चंदेल का जबड़ा पकड़ लिया था, उन्होंने तमतमा गए थे, ताव में आ गए थे। ताव में क्यों आ गए थे, क्या वाकई में ताव में आ गए थे, इसके अलावा ये जो प्रस्ताव है इस पर बात करेंगे। मेरे साथ विधायक जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। विधायक जी, चर्चा में हो काम की वजह से, बयानों की वजह से, लेकिन कल चर्चा में आ गए जबड़े की वजह से, जबड़ा पकड़ लिए थे आप। किसे तकलीफ है? मैंने उनका जबड़ा पकड़ा, तकलीफ किसे है, मैं ये जानना चाहता हूँ जी। मैं, आप भिलाई टाइम्स के संपादक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तकलीफ किसे है कि मैंने उसका जबड़ा पकड़ा, उसके कंधे पे मैंने हाथ रखा, ये तकलीफ किसे है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं जो लोग आपसे मिलने आए थे। तकलीफ शायद भूपेश बघेल को है, तकलीफ शायद जनता को है जो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का रवैया ठीक नहीं है। अगर मैंने गलत किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट लिखाने कब जाएंगे मेरे खिलाफ? और अगर मैंने गलत किया था तो जो युवक है चेतन चंदेल, वो युवक है जो है, मुझे इतना बस मालूम है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का वो पदाधिकारी है, मुझे नाम वाम कुछ नहीं मालूम उसका। कल मुलाकात करने आए थे वो? मुलाकात करने नहीं आए थे, वो अपनी बातों को दो विषयों को रखने आए थे। पहला विषय कि वो स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पे वो तालाब नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, ऐसे लोग जो अन्य प्रदेशों से हैं और जो महापुरुष हैं देश के, उनके नामों पे कुछ भी वैशाली नगर विधानसभा में नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनकी दोनों बात मान ली जी। मैंने कहा ठीक है, देवदास बंजारे जी के नाम पे वो तालाब होगा। और दूसरा जो है, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के पुरोधा, जिनकी छत्तीसगढ़ की माटी में जिनका योगदान है, उनके नामों पे ही नामकरण होना चाहिए, ना कि दूसरे प्रदेशों के महापुरुषों के। उस प्रस्ताव को भी मैं मान लिया। और मुझे ये लगा कि जिस प्रकार से कल भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में दिखे, तो ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और कांग्रेस की बी टीम छत्तीसगढ़ क्रांति सेना है। और ये भी साबित हो गया कि मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। भूपेश बघेल जी अपने आप को छत्तीसगढ़ी नेता बताते हैं, यही बोल के, झूठ बोल के वो सत्ता पे आए थे। लट्टू चलाते हैं, गेड़ी में चढ़ते हैं, कंची खेलते हैं। तो मैंने भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने स्वीकार ये किया है
कि अब छत्तीसगढ़ के माटी के लिए जो लोग काम किए हैं उनके नामों से वार्डों का भी नामकरण होगा। जैसे मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे नेहरू नगर वार्ड है, अब वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पे हो जाएगा। जो राजीव गांधी जी के नाम पे राजीव नगर है वो शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे हो जाएगा। जो सोनिया गांधी नगर है वो मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा। जो इंदिरा नगर है वो छत्तीसगढ़ महतारी नगर के नाम से जाना जाएगा। जो संजय गांधी जी के नाम पे संजय नगर वार्ड है, अब जो वार्ड है वो तीचन बाई के नाम से जाना जाएगा। जो जवाहर नगर है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम से जाना जाएगा। और ये प्रस्ताव इतने सहज रूप से मैंने, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा विधायक होगा जो दूसरे राजनीतिक दल के प्रस्ताव को इतनी आसानी से मान जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि भूपेश बघेल तो कल क्रांति सेना के पक्ष में दिखे, अब क्रांति सेना को मैं देखना चाहता हूँ अगर कांग्रेस के लोग इन बातों का विरोध करें, भूपेश बघेल जी अगर इन सब बातों का विरोध करे तो क्या क्रांति सेना उनके खिलाफ आंदोलन करेगा? क्या उनको लेके जिस प्रकार से मेरे पास आए थे वैसे उनसे बातचीत करने जाएंगे? और अगर नहीं जाते हैं और उनका विरोध अगर जारी रहता है, और ये भी देखने की बात है कि ये क्योंकि मेयर इन काउंसिल और महापौर जी के माध्यम से ये जो है सामान्य सभा में जाएगा, सामान्य सभा से राज्य शासन में जाएगा, तो अभी देखने वाली बात यह है कि वो पास करते हैं कि नहीं। और अगर वो विरोध करते हैं तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की उस समय भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि वो दो प्रस्ताव को मेरे पास लेके आए थे और दोनों को गंभीरतापूर्वक मैंने मान लिया है, तो यही सारा विषय है। लेकिन जिन नगरों के आप नाम बदल रहे हैं, नेहरू नगर, इंदिरा गांधी नगर, संजय नगर, राहुल नगर, सोनिया गांधी नगर, ये सब कांग्रेस नेताओं के जिनके नाम है, उनके जो बड़े नेता हैं उनके नाम पे है, उनका ये भी सवाल उठेगा कि भाई बीजेपी नेताओं के नाम पर भी बहुत सारे नगर है, बहुत सारे भवन है, क्या उनको भी आप बदल देंगे? मेरे विधानसभा में कुछ भी बीजेपी नेताओं के नाम पे एक भी ना वार्ड है ना एक भी नगर है। मेरे विधानसभा में जो उनका प्रस्ताव था उस प्रस्ताव पे ही मैं अमल कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कोई नई कहानी नहीं बना रहा हूँ। यानी कि आप टारगेटेड तो नहीं है कि कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं? नहीं नहीं, भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की मैं बात मान रहा हूँ। छत्तीसगढ़ियों की चिंता करते हैं ये, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और भूपेश बघेल जी, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, मैं उनकी बात को मान लिया। आप कुरुत के तालाब का नामकरण करते हैं शारदा सरोवर के नाम से, तो फिर कल चल के नेहरू नगर वाले भी आएंगे, कल चल के संजय नगर वाले भी आएंगे, कल चल के इंदिरा गांधी नगर वाले भी आएंगे कि हमसे आपने पूछा क्यों नहीं नाम बदलने से पहले? नहीं, कहाँ कहाँ फिर वापस लेते रहेंगे? नहीं नहीं, हम तो ये प्रस्ताव भेज रहे हैं, उनसे पूछोगे ना एक बार बात तो करोगे? क्यों पूछेंगे? कॉलोनी वासियों से क्यों पूछेंगे? भाई मैं क्या गलत कर रहा हूं? उनकी आपत्ति कल आ सकती है, तो आपत्ति तो हर चीज में हर किसी की आती है। मैं तो सहज रूप से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भूपेश बघेल की मांग को पूरा कर रहा हूं मैं, और किसको आपत्ति है? भूपेश बघेल अगर आपत्ति है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी से तो मुझे बता दे कि उनके नाम को चेंज नहीं करना है, और क्रांति सेना को अगर आपत्ति है तो वो भी मुझे बता दे, तो इससे तो साबित हो जाएगा जो चीज होना है। और ऐसा नहीं है, और ये प्रस्ताव तो मेरे बोलने से भी कोई ये नाम साबित नहीं हो जाएगा, जैसे कि शारदा सरोवर का नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, आपका बस विचार था? मेरा विचार था, और मैं तो इसलिए स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के नाम पे तालाब रखना चाहता था कि वो महान गायिका थी। जैसे दुर्गा माता के जो जगराता है नरेंद्र चंचल जी करते थे तो लगता था कि जगराता हो रहा है, माता वाणी साक्षात दर्शन देने वाली है। प्रदीप मिश्रा जी जो है एक लोटा जल हिंदुओं के अंदर बिना जाति धर्म के अंदर सनातन धर्म के लिए उन्होंने काम किया, तो हमको ऐसा लगता था कि भोलेनाथ के प्रति हमारा जुड़ाव कैसे हो, उसके उपाय वो बताते हैं। मंदिर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई, कई बच्चे लोग। लता मंगेशकर जी
कोई जाति और धर्म नहीं उनको चुनते, लोग उनको सरस्वती माँ का रूप मानते हैं, स्वर कोकिला बोलते हैं, इसीलिए स्वर कोकिला बोलते हैं। तो वैसे ही स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी हैं, वो गाती थी तो लगता था छठ पूजा आ गया, उस छठ पूजा उनके गाने के बिना अधूरा रहता था। तो मैं अपने भाव मैंने रखे कि भाई उनके नाम से एक तालाब होना चाहिए, एक विनम्र श्रद्धांजलि हम दे भिलाई वासी, क्योंकि भिलाई तो मिनी भारत है, सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इस प्रस्ताव को भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने इसको कहीं ना कहीं विरोध किया और उन्होंने मांग किया कि भाई छत्तीसगढ़ पुरोधा के नाम पे सब होना चाहिए। शारदा सरोवर जो है सिर्फ कुरु तालाब के नाम के, मतलब और भी तालाब थे और भी उनका भी नाम, वो इसलिए तालाब को ही क्यों चूज? तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे वो भी था, शारदा माता का मंदिर भी है, तो मैं उसे शारदा सरोवर कर रहा था कि उसमें यूपी बिहार वाले अगर सोचे कि भाई शारदा सिन्हा जी के नाम पे है और दूसरों को लगता है कि वो चलो शारदा मैया के नाम पे है तो आखिर शारदा सरोवर बन जाता, ऐसा विचार था। लेकिन इन्होंने विरोध किया तो देवदास बंजारे जी के नाम पे पहले से, लेकिन आपको मालूम नहीं था? नहीं, अभी नगर निगम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन कल वो पेश कर रहे थे, कल वो पेश कर रहे थे, उनके बारे में मैं जानने की कोशिश किया तो वो एक अनुबंध दिखा रहे जो उन्होंने नगर निगम को उन्होंने वो किया, और एक में तो ये भी दिखाया जा रहा है कि एक टेंडर मछली का, एक टेंडर मछली पालन का एक टेंडर था, उसमें नक्टा तालाब ब्रैकेट में लिखा है, बाजू में देवदास बंजारे तालाब लिखा। अब उसकी जांच के लिए मैंने नगर निगम को लिखा है, एक्चुअल में है किस नाम, एक्चुअल में है किस नाम से। और मैं तो ये भी बोल रही हूँ नहीं है, अगर देवदास बंजारे जी के नाम पे नहीं भी है वही नाम, तो भी वही नाम रहेगा। अब शारदा सिन्हा जी के नाम पे करने के लिए मैंने उनको कहा था कि भाई कई तालाब है, कई इमारत है, कई भवन है, कई सड़क है, उसको किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि वो भी नहीं करना है, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ी नामों को ही कीजिए, जो छत्तीसगढ़ी माटी में जन्म लिए हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लीजिए, और छत्तीसगढ़ बनाने में जिनका योगदान है उनका लीजिए, पुरोधा जो हमारे हैं या कोई ऐसे राष्ट्रीय नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण कराया हो, ऐसे लोगों का आप नाम लीजिए। खूबचंद बघेल जी का नाम प्रथम आता है उसमें, तो खूबचंद बघेल जी जो है स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो निर्माता है छत्तीसगढ़ के, तो उन्हीं की बातों को लेके मैंने ये तय किया, वो सही बोल रहे हैं बेचारे, क्या गलत बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मोतीलाल नेहरू जी का नाम अब हटा देते हैं, अब जो है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड के नाम से जानेंगे, अब हटा देते हैं। भूपेश बघेल जी इतने प्यार से अगर कोई बात को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के माध्यम से अगर मुझे बोल रहे हैं तो मुझे भूपेश बघेल जी की बात को सुनना पड़ेगा, सोनिया गांधी जी का नाम मुझे हटाना पड़ेगा, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुझे इंदिरा गांधी जी का नाम हटाना पड़ेगा, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, मैं वो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म लिए हैं। और अब तो सवाल ये भी उठता है, अगर भूपेश बघेल अपने आप को छत्तीसगढ़ी अगर बताते हैं तो सतना में अपना पूर्वज खोजने कहाँ चले जाते हैं? अभी सतना में पूजा करने जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि सतना में जाके उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज सतना में रहते थे, तो ये भी अब एक बड़ा विषय आ गया है एमपी सतना। हाँ, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं तो बस भूपेश बघेल जी की बात को मानूंगा, सोनिया गांधी नगर चेंज होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम चेंज होगा। हम तो इतने दिन तक कुछ नहीं किए थे, हमारी सरकार तो तीन बार चौथी बार आई है, हम तो पहले कभी नाम बदलने की बात नहीं किए, आज क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पक्ष में भूपेश बघेल जी का बयान आना और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के द्वारा ये मांग करना, मुझे लगता है एक विधायक के नाते मुझे इनकी बात को सुनना चाहिए और इस पर क्रियान्वयन करना चाहिए। आखिरी सवाल, लोग आपके छत्तीसगढ़िया प्रेम को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि बोले विधायक जी सिर्फ अन्य प्रांतों को साधने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और खुद छत्तीसगढ़ी हो आप, तो बिल्कुल उस पर भी सवाल उठ रहे होंगे। सेन है तो आपको बंगाली भी बोल रहे हैं, कुछ कमेंट पढ़ रहा था कल तो बोल रहे कि बंगाली है, तो आप स्पष्ट कर दीजिए छत्तीसगढ़िया प्रेम आपके अंदर कितना है और छत्तीसगढ़ी हो भी कि नहीं। देखिए, मैं सनातन हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय कि भिलाई मिनी भारत है और जो लोग मेरे छत्तीसगढ़ियाबाद पे जो प्रश्न उठाते हैं उनको बता दूं, सन 2000 में
छत्तीसगढ़ बना और 10 साल तक एक मूर्ति नहीं लगी छत्तीसगढ़ मेहतावी की। सबसे पहली मूर्ति प्रतिमा लगाने वाला अगर कोई जनप्रतिनिधि है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो रामनगर में पहली प्रतिमा छत्तीसगढ़ मेहतावी की विकेश सेन ने लगाया है। तो इसलिए जो है सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं और मैं अपना कर्म करता हूँ। मुझे जाति धर्म से उठ के अपने भिलाई को बचाना है। मिनी भारत की जो संज्ञा दी जाती है उस विरासत को बचा के चलना है और इस प्लांट में काम करने वाले लोग अलग अलग जाति धर्म और समुदाय के लोग हैं, जिसकी वजह से एशिया में नंबर 1 है हमारा प्लांट आता है। भिलाई शिक्षा धानी है, भिलाई खेल धानी है, भिलाई कला धानी है और इस विरासत को बचाने का काम मुझे करना है। राजनीति में लोग क्या आरोप लगाते हैं, क्या प्रत्यारोप लगाते हैं, मुझे नहीं उससे मतलब। सोशल मीडिया में लोग उत्तेजित करते हैं अलग अलग कमेंट्स करके। और भूपेश बघेल जी, भिलाई टाइम्स के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल आपके विषय पे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे डाला, सोशल मीडिया में डाला कि जो आपके खिलाफ गलत कमेंट करता है उसे आप या तो ब्लॉक कर दे रहे हैं या तो उसके कमेंट को मिटा दे रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया को उठा के कि कितने लोग मुझे अपशब्द और गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया में, उसके बावजूद भी ना मैं किसी का कमेंट मिटा रहा हूँ और ना ही किसी को ब्लॉक कर रहा हूँ। अगर लड़ाई लड़ना है तो मर्द जैसे लड़िए। और सोशल मीडिया में आपको अगर कोई कुछ कहता है तो उसे भी स्वीकार करने की ताकत रखिए। बहुत जल्दी जल्दी आजकल आप ट्वीट कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोशल मीडिया में कर रहे हैं, अधिकारियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपका कालखंड समाप्त हो चुका है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो आप कमेंट पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैं बराबर पढ़ता हूँ। रिप्लाई भी जितनी गालियाँ ना, रिप्लाई नहीं, मैं पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ जो गाली देता है। लोगों को एहसास कैसे होगा कि आप पढ़ते हो? मैं लाइक करता हूँ। अच्छा, लाइक का उसमें बटन रहता है, हम दबाते हैं उसको, और जो गाली देता है उसको भी स्वीकार करते हैं। गाली आशीर्वाद बन जाता है बोलते कई बार। सोशल मीडिया में अगर आपके नकारात्मक लोग अगर आपके बारे में लिखेंगे नहीं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पे करने वाला हूँ वो 4 लोग को पता था। जब ये विरोध हुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ को पता चल गया। मैं उस दिन समाप्त हो जाऊंगा। मैं, मेरे विरोधी लोग मुझे समाप्त करना चाहते हैं, मेरे राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। मैं उनको एक मंत्र देता हूँ, मैं तभी खत्म हो सकता हूँ जब मेरे विरोधी कोई ना हो जी। और विरोध होता है तभी मैं जिंदा हो जाता हूँ। आपके अपने भी विरोध करते हैं? मजा आता है उनको क्या आपको? मुझे मजा आता है जी। वो इससे, मैं बताया ना, मुझे एक नई ऊर्जा मिल जाती है। 24 घंटा हो गया तालाबों का दौरा, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन नहीं, मुझे मेरे विरोधी लोग सतर्क कर देते हैं और नए चीज सोचने पे भी विवश कर देते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो आनंद लीजिए इंटरव्यू का। और हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा रिकेश जी सारा कमेंट पढ़ते हैं, अच्छा लगा सुन के कि वो सोशल मीडिया में टाइम देते हैं, अपने बारे में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं। सारे सवाल थे, जरूरी थे, जिनके जवाब आने थे। और मुझे लगता है कि आगे इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। चैनल के साथ आप बने रहिए। हमारी बातचीत कैसी लगी, उन सारे सवालों के जवाब को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर। हमार पुरखा श्रद्धे देवदास बंजारी जी के नाम के तरियाल बदल के शारदा सिन्हा जी लोक गायिका भोजपुरी के ओकर नाम ले रखे के का तुखे। मैं रिकेश सेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से कहना चाहता हूँ, यदि अतेक प्रेम है बिहार से, बिहारी कलाकार मन से, बिहारी जनता से, तो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ना बंद कर दो, बिहार में जाकर के चुनाव लड़के पंच जीत के दिखा दो। जिन दिन पंच जीत के आहू बिहार से, अपन एक डार के मेछल मुड़वा लू 6 महीना तक। जतका प्रेम पर प्रांति मन से दिखाता हो उतके मया छत्तीसगढ़िया मन से दिखावा। जनता तुम्हारे वोट दे करके चुनाव लड़ा करके जीता करके विधानसभा में बैठा रहे, ऐसे तिर नहीं बैठा रहे कि हमारे पुरखा मन के अपमान करके
गैर छत्तीसगढ़िया मन के नाम रखेगा। जो एपिसोड था उससे हटकर एक नया एपिसोड शुरू हो चुका है और मेरे पीछे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे, जिनसे जानेंगे कल के इस एपिसोड के बारे में। और चेतन कौन है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो कौन चेतन है जिसका जबड़ा वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने पकड़ा था। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ दो चीज़ और हैं।